वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी देख लेना, कुछ एडिशनल वीडियो भी है, मतलब हो सकता है आपको काम आ जाए वो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो वैरायटी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें आपको रिसीट से पेमेंट अकाउंट देंगे और आपको बनाने का है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, तो मैं अभी क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये फर्स्ट वैरायटी, ये ना फर्स्ट वैरायटी जहाँ पे आपको रिसीट से पेमेंट देंगे और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। द फॉलोइंग आर द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ द सोशल क्लब औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2012। ये रहा रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट्स में कैश इन हैंड, देखो थ्योरी याद करना, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तीनों कैश दिखता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट पेमेंट एक कैश बुक है, उसमें तीनों कैश दिखाई देगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैश दिखाई देगा। तो कैश इन हैंड ओपनिंग है 5000, सब्सक्रिप्शन 2011 का 600 मिला है, 2012 का 32400 और 2013 का 300। रिसीट पेमेंट में कुछ चीज बैलेंस शीट में जाएगा और कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो कौन सा चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है? जो बार बार होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, जो वन टाइम होगा वो बैलेंस शीट में होता है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन बार बार आता है तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा, ये बार बार होगा ना, ड्रामा वगैरह प्रोग्राम, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। एंट्रेंस फीस के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखा है पॉइंट नंबर टू, देखो हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस ट्रीटेड एज रेवेन्यू, मतलब आधा को रेवेन्यू ट्रीट करना था। रेवेन्यू मतलब आधा एंट्रेंस फीस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे और आधा एंट्रेंस फीस हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था उसका ब्याज मिला स्टूडेंट में, तो ब्याज तो बार बार मिलता है ना, जो बार बार होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने का। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तुमने ओल्ड फर्नीचर बेच दिया उसमें प्रॉफिट लॉस हम शो करेंगे। नेक्स्ट, पेमेंट साइड में जाओ, बैंक को ओवरड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, मतलब पिछला साल हमारा माइनस में था बैंक बैलेंस। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट जो परचेस किया हम बार बार तो नहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आता है, एसेट्स में। फर्नीचर हमने परचेस किया बैलेंस शीट में आएगा। सैलरी हम बार बार पे करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम बार बार करते हैं, बारह महीना करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। पोस्ट एंड टेलीग्राम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। वो जो ड्रामा किए थे हम लोग ने उसमें खर्चा हुआ था, कॉस्ट ऑफ द ड्रामा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। सेंडरी एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। एंड द लास्ट, क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश इन बैंक बैलेंस शीट में आएगा। नाउ नीचे पढ़ते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st December 2012 एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। पांच एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान देना। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस पढ़ लिया हमने। पॉइंट नंबर थर्ड, सैलरी आउटस्टैंडिंग अभी का, देखो 2012 लिखा है ना, अभी का आउटस्टैंडिंग है। पॉइंट नंबर फोर, और 31st December 2011 क्लब के पास प्रीमाइसेस है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। और क्लब के पास 3600 मेंबर है, एक मेंबर 10 रुपए देता है। ओके, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ क्या करना है। अगर मेरे टेक्निक फॉलो करोगे आप दुनिया का सब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस स्टेटमेंट आप टैली कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला अपना बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करने का, बैलेंस शीट में सबूत इकट्ठा करने का, थिंक लाइक CIT। तो बैलेंस शीट में सबूत इकट्ठा करो कि कौन सा चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में आ सकता है। ओके, तो मैं बनाने जा रहा हूं, आप फिर से क्वेश्चन मार देंगे। तो सबसे पहला देखो रिसीट पेमेंट, में ओपनिंग कैश दिखाई दे रहा है, देखो कैश इन हैंड 5000 दिखाई दे रहा है। अगर कैश इन हैंड है तो पिछला लास्ट का बैलेंस शीट से आया होगा, तो लिखेंगे कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना है? 5000। नेक्स्ट, रिसीप्ट साइड में और ढूंढो, रिसीप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है 2011 का, किसी ने 2011 का 600 रुपीज अभी दिया 2012 में, और हमारा ईयर था ओपनिंग 2011, इसका मतलब 2011 में आउटस्टैंडिंग रहा होगा। और सब्सक्रिप्शन इनकम होता है उस इंस्टीट्यूट का, उस संस्था का, तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना 600, समझा 600 कहां से आया। पेमेंट साइड में जाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस में मतलब पिछला ओपनिंग मैंने 6 आया होगा तो लिखेंगे बैंक का ओवरड्राफ्ट, बैंक का ओवरड्राफ्ट। हाँ, कितना था बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट है 7000। नेक्स्ट बाकी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर वन देखो, एडजस्टमेंट में स्टॉक और स्टेशनरी ओपनिंग दिखाई दे रहा है। अगर आपने पास स्टेशनरी का स्टॉक है तो अपना एसेट्स है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग हमारे पास 180 रुपीज का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड नहीं काम का, पॉइंट नंबर फोर काम का, क्लब के पास हमारे पास 2011 में प्रीमाइसेस है, तो प्रीमाइसेस एसेट्स है हमारा, तो प्रीमाइसेस है, कितने का प्रीमाइसेस है 50,000 का प्रीमाइसेस है हमारे पास। नेक्स्ट क्लब के पास इन्वेस्टमेंट है कुछ, तो कितना इन्वेस्टमेंट है 12,000 का। और पढ़ते हैं, क्लब के पास फर्नीचर है, कितने का है फर्नीचर 6,000 का। ओके, अब कुछ करना नहीं, टोटल कर देना है और आपको बैलेंस ही फिगर आएगा, इसी को बोल देना है कैपिटल फंड, इसी को बोल देना है कैपिटल फंड। 737780 माइनस करोगे आंसर आएगा 66780। ओके, ये समझ में आपको यहां तक कैसे बना है, आपने ऊपरी माइनस ही कैसे बना है। जो आपको एसेट है वो एसेट लिख दो, लाइब्रेटी, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, कुछ एसेट ना एक जगह नहीं रहता है, यहाँ वहां लिखे रहते हैं, तो आप उसको जमा करना है। ओपनिंग कौन सा चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसे आया है, तो ये आएगा 66780। अब आपको टेक्निक बताता हूँ टैली करते कैसे, टैली करने का सिंपल टेक्निक होता है। देखो यहाँ पे हिंट लिख रहा हूं मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट के दो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट को उठा के आप डेबिट में लिखो और क्रेडिट को उठा के आप क्रेडिट में लिखो, बस बात खत्म। हिंट, एसेट होता है डेबिट, लायबिलिटी होता है क्रेडिट। डेबिट को उठा के आप डेबिट में लिखो, क्रेडिट को उठा के क्रेडिट में लिखो। एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन, रिसीप्ट एंड पेमेंट और दूसरा ट्रांजेक्शन, रिसीप्ट एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन को दो ऑफर देने का, एक लिखने का डेबिट और एक लिखने का क्रेडिट, टैली होगा। ठीक है ना, ये हिंट है ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब जरा ध्यान देना क्या लिखा सर ने, ओपनिंग बैलेंस शीट डेबिट को उठाकर डेबिट में लिखने का और क्रेडिट को उठाकर क्रेडिट में लिखने का। तो जरा देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, सबसे पहला कैश इन हैंड 5000 डेबिट है ना, हम इसको नहीं लिखेंगे। रीजन, क्वेश्चन में दिया था ना, क्वेश्चन में देखो फिर से, कैश इन हैंड देखो, कैश इन हैंड तो कैश इन हैंड देखो 5000 पहले से लिखा है ना, कैश इन हैंड, इसीलिए इसका ये जो कैश इन हैंड है ना 5000 इसका पोस्टिंग हो गया, इसका हम इसका पोस्टिंग नहीं करेंगे। किसी ने कैश बुक बना के दिया तो हम वो लेजर नहीं बनाएंगे, तो इसका इफेक्ट किधर गया वो क्वेश्चन में 5000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट है ना, डेबिट है ना, हमने लेजर बनाया सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का, तो डेबिट में लिखेंगे 2 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में लिख देगा ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट है कितना है 600। नेक्स्ट और क्या दिख रहा है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी डेबिट को उठा के डेबिट में लिखना है, तो लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में देना ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का 180। दो समझ में आया, प्रीमाइसेस एसेट्स है ना, तो प्रीमाइसेस किधर जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, तो लिखेंगे प्रीमाइसेस, आउटर कॉलम में लिखेंगे 50,000। ओके, नेक्स्ट क्लब के पास इन्वेस्टमेंट है तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन इसको इनर कॉलम में लिखो क्योंकि कुछ हमने और इन्वेस्टमेंट परचेस किया है। क्लब के पास फर्नीचर है उसको इनर कॉलम में लिखो, क्लब के पास फर्नीचर है कितने का है 6000, इसको इनर में लिखो क्योंकि इसमें परचेस किए सेल किए, समझ में आया। डेबिट 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 डेबिट, इसको भी डेबिट, इसको भी डेबिट, तो कैश क्वेश्चन में गया। अब आ जाओ क्रेडिट साइड, बैंक को नहीं दिखाई दे रहा है, फिर से आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो क्रेडिट साइड में लिखा है देखो बैंक का ओवरड्राफ्ट, ये है बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया। ओके, तो बैंक पे तो आंसर 7000 का पोस्टिंग हो गया, इसका पोस्टिंग करना है क्रेडिट पर उठा के क्रेडिट में लिखना है, तो यहां लिखेंगे कैपिटल,
कैपिटल फंड, कैपिटल कितना है इनर कॉलम में लिखेंगे 66,780। ओके अब आ जाओ फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखें। अब आप देखो हिंट वापिस, रिसीव पेमेंट और ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट देना है, एक इतना डेबिट एक इतना क्रेडिट। अब जब जरा सब लोग क्वेश्चन देखो फिर से, कैश बुक दिखाई दे रहा है रिसीव साइड, कैश इन है। देखो क्या करना है, जो कैश बुक है ना किसी ने कैश बुक इसे पार्ट ऑफ डबल एंट्री, तो किसी ने एक इफेक्ट दे दिया है, आपको इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। मतलब अगर इन्होंने मारा रहेगा डेबिट तो आप मारना क्रेडिट, अगर इन्होंने लिखा होगा क्रेडिट तो आप लिखो डेबिट। ओके चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट, सबसे पहला कैश इन एंड हो गया, सब्सक्रिप्शन देखो आउटर कॉलम में कितना मिला, आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में सब्सक्रिप्शन कितना दिख रहा है 33,300। रिसीव साइड का डेबिट साइड में ये डेबिट है, ये डेबिट है, हम लिखेंगे क्रेडिट में, और किसमें लिखेंगे वो खुद बोलता है सब्सक्रिप्शन के लेजर में लिखो, तो सब्सक्रिप्शन के लेजर में क्रेडिट से लिखेंगे। बाय कितना लिखेंगे, आउटर कॉलम में कितना लिखा, आउटर कॉलम में 33,300। ओके वापिस बोलता हूं, ये लिखा है डेबिट, ये लिखा है डेबिट, हम लिखेंगे क्रेडिट। ओके इसको बोलते हैं डबल इफेक्ट, किसी ने एक इफेक्ट दिया है आपको पहले से। सेकंड ड्रामा का पैसा कितना मिला था 4080 और खर्चा कितना हुआ 1780, तो प्रोसीड इनकम ना, तो ये सही लिखेंगे, नेट शो करेंगे उसको हम लोग, प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा, कितना ड्रामा करने से कितना मिला था 4080 लेस एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, ड्रामा में खर्चा हुआ था कितना, खर्चा हुआ था 3500, 580 रुपीज नेट आएगा, 580 रुपीज। हाँ इसका आउटर कॉलम में नेट ही लिखेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये था डेबिट ये था क्रेडिट, प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा ये है डेबिट, हमने लिखा क्रेडिट बरोबर है, एक्सपेंस उसका नेट करने का बाद में आते हैं। अगला लिखा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस ने क्या लिखा था आधा आधा करने का, तो आधा एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, तो बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस 50% रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, तो 1340 का हाफ करना 50%, 670 तो 670 को रेवेन्यू ट्रीट करेंगे और 670 को कैपिटल ऐसे ट्रीट करेंगे, तो ऐड इन कैपिटल फंड लिखेंगे एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितना ऐड करेंगे 670। देखो आप इस क्वेश्चन देखो, देखो एंट्रेंस फीस डेबिट दिया था ना डेबिट, और हमें लिखना है क्रेडिट, ये रहा क्रेडिट, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। ओके नेक्स्ट इंटरेस्ट और सिक्योरिटी बार बार मिलेगा, वो उन्होंने लिखा है डेबिट, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बाय इंटरेस्ट सिक्योरिटी कितना लिखेंगे इंटरेस्ट सिक्योरिटी 1000। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जूना फर्नीचर बेचा, एक काम कर लेते हैं, जब आप जूना फर्नीचर बेचोगे तो उसका एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर बेचा बैंक अकाउंट डेबिट 200, टू फर्नीचर फर्नीचर कितने गया 160 रुपीज का, तो कितने का फायदा हुआ, फायदा कितना घुमाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा 40। ओके अच्छा सुनो, ये बेच के जो पैसा आया रिसिप्ट का डेबिट साइड में, क्वेश्चन में देखो वापिस रिसिप्ट का डेबिट में दिखाई दे रहा 200 रुपया, इसका पोस्टिंग हो गया, फर्नीचर कितने गया 160 रुपीज का, तो फर्नीचर सेल हुआ ना, तो लेस फ्रॉम फर्नीचर, लेस फ्रॉम लेस सेल, कितने का सेल हो गया 160 का, इसमें प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट यहाँ पे जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितने का प्रॉफिट हो गया 40 का। ओके नेक्स्ट ये हमने रिसीप्ट साइड खत्म किया, अब आते हैं पेमेंट साइड, पेमेंट साइड है बैंक ओडी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से आया था, इन्वेस्टमेंट किया, ये लोगों ने लिखा है क्रेडिट, हम लिखेंगे डेबिट, तो डेबिट इन्वेस्टमेंट एड एडिशन, एड एडिशन, तो कितने का एडिशन इन्वेस्टमेंट किया है 6800 का। नेक्स्ट फर्नीचर परचेज किया, बैलेंस शीट में जाएगा, तो एड परचेज, एड परचेज कितने का फर्नीचर परचेज किया और 2980। नेक्स्ट सैलरी पे किया, सैलरी एंट्री आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश का क्रेडिट से अंदर, तो सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, तो लिखेंगे टू सैलरी, लेकिन सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट था तो इसको इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो, बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
देखो जिसका लेजर बनाना हो लेजर में लिखने का तो प्रिंटिंग वो लिखा है क्रेडिट साइड में प्रिंटिंग स्टेशनरी वो लिखा है उन्होंने क्रेडिट साइड हम लिखेंगे डेबिट साइड तो प्रिंटिंग स्टेशनरी में लिखेंगे टू बैंक कितना पेमेंट किया प्रिंटिंग स्टेशनरी को 1780 समझ में आया उसका क्रेडिट साइड में तो इसका डेबिट साइड में प्रिंटिंग स्टेशनरी का डेबिट साइड में अगला प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद पोस्टल टेलीग्राम यहां लिखेंगे टू पोस्टल एंड टेलीग्राम पोस्टेज एंड टेलीग्राम तो कितना दिया पोस्टेज एंड टेलीग्राम 2200 नेक्स्ट कॉस्ट का ड्रामा नेट शो किया था हमने हो गया ना उसका पे सन्ड्री एक्सपेंसेस तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना हुआ सन्ड्री वो लिखा क्रेडिट हम लिखेंगे डेबिट तो 2800 नेक्स्ट क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश इन बैंक बैलेंस शीट में जाएगा तो लिखेंगे कैश इन हैंड कैश इन हैंड 660 और कैश एट अ बैंक कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 7000 ओके नेक्स्ट अब आ जाओ ये हमने रिसीव पेमेंट कर दिया समझ में रिसीव पेमेंट कैसे करना है उन्होंने लिखा रहेगा रिसीव का डेबिट में तो आप लिखो क्रेडिट में उन्होंने लिखा रहेगा क्रेडिट में तो आप लिखने का डेबिट में बिकॉज डबल एंट्री है डबल एंट्री एक होता है डेबिट एक होता है क्रेडिट अब आते हैं एडजस्टमेंट नीचे एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नंबर वन क्वेश्चन देखो फिर से स्टॉक और स्टेशनरी का क्लोजिंग दिया था 200 रुपया तो स्टेशनरी का सुनो ओपनिंग स्टॉक यहां लिखे ना तो क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा ना क्लोजिंग स्टॉक तो कितना दिया था क्लोजिंग स्टॉक 200 सुनो 200 जो स्टॉक बच गया बैलेंस शीट में आएगा ये है क्रेडिट हम लिखेंगे डेबिट तो लिखने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना 200 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी आगे बढ़ता हर चीज दो बार लिखने का एडजस्टमेंट को दो बार लिखने का एंट्रेंस फीस हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी फेवरेट एडजस्टमेंट है आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी तो कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी का आउटस्टैंडिंग 800 तो प्लस करोगे तो आंसर आएगा 11000 सेकंड एफेक्ट ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड में जाता है लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 ओके नेक्स्ट क्लब हैज 3600 मेंबर ईच मेंबर इज पेइंग 10 रुपीज तो सीधा सीधा देखो तो इनकम कितना होता है 36000 इनटू 10 तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर करंट ईयर का ही खर्च लिखते हैं हम लोग तो ऐसा लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 3600 मेंबर है एक मेंबर 10 रुपए देता है तो 36000 सीधा सीधा अपना इनकम है क्लब के पास 3600 मेंबर है एक मेंबर 10 रुपए देता है तो अपना इनकम है 36000 सेकेंड एफेक्ट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन ये है क्रेडिट हम लिखेंगे डेबिट कहां से आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर से है कितना 36000 जरा एक बार क्वेश्चन देख लो आखिरी बार हमने एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया था क्वेश्चन देखो सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा सब्सक्रिप्शन 2011 12 और 13 का हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे 2012 का किसी ने 2013 का भी पैसा दे दिया इसको बोलते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला एडवांस सब्सक्रिप्शन देखो 300 रुपीज दिखाई दे रहा है 300 रुपीज एडवांस सब्सक्रिप्शन तो जो बच्चों जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इधर आता है तो एडवांस इधर लिखते हैं तो ओपनिंग एडवांस यहां आएगा तो क्लोजिंग एडवांस यहां आएगा तो लिखने का टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना मिला 300 समझ में 300 कहां से है एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एडवांस इधर आता है तो क्लोजिंग एडवांस इधर आता है सुनो यह डेबिट हम लिखेंगे क्रेडिट और क्रेडिट का मतलब होता है इधर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला 300 ओके जब भी कभी हम टैली करेंगे पहले लेजर को टैली करेंगे ओके तो पहले लेजर हम टैली कर लेते हैं डिफरेंस आएगा वो हम देखते हैं तो 600 प्लस 36000 प्लस 300 टोटल आएगा 36900 ये टोटल यहां लिखेंगे 36900 माइनस 33300 जब हम टैली करोगे टोटल 36900 माइनस 33600 तो डिफरेंस आएगा 3600 इसको क्या लिखने का तो बोलने का बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन याद आता ना ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो बोलने का बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग समझ में आ रहा है क्लोजिंग कैसे निकाला देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर आता है क्लोजिंग इधर आता है
ओपनिंग एडवांस किधर आता है तो क्लोजिंग एडवांस किधर आता है तो बैलेंसिंग आता है, लिख देना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग 3600। ये है क्रेडिट, हम लिखेंगे डेबिट में, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना 3600। अब स्टेशनरी लीजिए टैली कर लेते हैं, स्टेशनरी में कंजम्पशन पता चला कितना स्टेशनरी कंज्यूम हो गया 180 प्लस 1780 टोटल आता है 1960 माइनस 200 तो पता चला कितना स्टेशनरी कंज्यूम कर लिया 1760। तो जो स्टेशनरी कंज्यूम कर दिया लिख देने का बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं स्टेशनरी कंज्यूम। यह है क्रेडिट, सेकेंड लिखेंगे डेबिट, तो लिखेंगे टू स्टेशनरी, स्टेशनरी कंज्यूम तो कितना स्टेशनरी कंज्यूम कर दिया 1760। अकाउंट टोटल कर लेते हैं, बैलेंस करोगे तो सरप्लस या डेफिसिट आएगा, टोटल कर लेते हैं 580 प्लस 670 प्लस 1000 प्लस 40 प्लस 36000 टोटल आता है 38290। ये टोटल यहां लिखेंगे 38290 माइनस 11000 माइनस 2200 माइनस 2800 माइनस 1760 आएगा आंसर 20530। इसको बोलेंगे टू सरप्लस, पॉजिटिव आएगा तो सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सरप्लस क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा, ऐड अ सरप्लस, तो इससे प्रॉफिट हुआ कितना सरप्लस हुआ 20530 का, 20530 मेन आंसर में ऐड करेंगे इसको तो 66780 प्लस 670 प्लस 20530 टोटल आता है 87980। टोटल कर लेते हैं बैलेंस शीट 87980 प्लस 800 प्लस 300 टैली अमाउंट 89080। उस साइड टोटल कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं 12000 प्लस 6800 टोटल आता है 18800 और फर्नीचर में सेल किया था 6000 माइनस 160 प्लस 2980 फर्नीचर आता है 8820 टोटल कर लेते हैं 50000 प्लस 18800 प्लस 8820 प्लस 660 प्लस 7000 प्लस 200 प्लस 3600 टोटल आएगा 89080। सुपर, फिर से फास्ट रिकॉल करा देता हूं, जब भी कभी क्वेश्चन किया हमने कौन सा वैरायटी किया, जब क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट देंगे और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और जरूरत पड़ा तो कुछ लेजर, तो फर्स्ट वैरायटी का तो क्या करने का टिप्स यहां लिखा था सर ने, पहला आप क्या करो फास्ट रिकॉल, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, सबूत इकट्ठा करो, बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट डेबिट को उठा के डेबिट में लिखना और क्रेडिट को उठा के क्रेडिट में लिखने का। उसके बाद आपको रिसीव पेमेंट दिया था, सेकंड स्टेप रिसीव पेमेंट दिया था, रिसीव पेमेंट में ओलोन लिखा रहेगा डेबिट तो आप लिखना क्रेडिट, रिसीव पेमेंट का लिखा है क्रेडिट तो आप लिखना डेबिट, क्योंकि डबल एंट्री कर रहे हैं ना, एक एफर्ट ओलोन ऑलरेडी दिया है, हम उसका सेकंड एफर्ट दिए। लास्ट तीसरा थर्ड जो एडजस्टमेंट रहेंगे उसका भी डबल एफर्ट देने का, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी था ना 800 तो उसका सेकंड एफर्ट दिया 800, क्लोथिंग स्टॉक था ना 200 तो उसका सेकंड एफर्ट दिया 200, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आया था बैलेंस शीट का 3600 तो 3600 का सेकंड एफर्ट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।